अरे जीप बिना एक पल गवाए जैसे ही बाहर गया तो आरोही वहाँ से जा चुकी थी। ओ गॉड, आरोही कितना हर्ट हो गई होगी। मुझे उसे मनाना पड़ेगा। वो जरूर वहीं गई होगी जहाँ उसे मैं जाकर मनाता हूँ। आरोही सीधा रोते हुए उसी जगह पर पहुँच गई जहाँ वो पहली बार मिले थे। वहाँ एक छोटी सी बेंच डली हुई थी। तीस ठंडी हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो कितनी ही देर वहाँ बैठी हुई रोती रही। अचानक ही वो हैरान हो गई। ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो हमेशा यहाँ अरिजीत के साथ आती हूँ। आज क्यों नहीं आया वो? और ये मेरी आंखों में आंसू क्यों है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एक ही पल में आरोही सब कुछ भूल चुकी थी। तभी अरिजीत वहाँ पहुँचा और आरोही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी आवाज में बोला, आई एम सॉरी आरू, माँ पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन तुम फिकर मत करो, हम जल्दी शादी कर लेंगे। ये सुनकर आरोही चौंक गई और अरिजीत को खुद से अलग करते हुए कहा, शादी? माँ पापा ये सब क्या कह रहे हो अरिजीत? मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से मिली ही नहीं, और शादी वो हम अभी नहीं कर सकते। मुझे अभी अपना बुटीक ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये तुम क्या कह रही हो आरू? आई नो कि तुम बहुत हर्ट हो गई हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे ऐसे डराओगी। नहीं अरिजीत, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई। ये सुनकर अरिजीत चौंक गया, पर कुछ सोचकर वो चुप हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इसी बीच अरिजीत ने कई बार आरोही से शादी करने की बात की, पर आरोही ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। पर इस बीच अक्सर आरोही चीजें भूलने लगी थी। एक दिन अरिजीत ने आरोही को मिलने बुलाया और 3 घंटा वेट करने के बाद भी जब आरोही नहीं आई तो अरिजीत गुस्से से भर कर आरोही के घर जा पहुंचा और उस पर चिल्ला कर बोला, आरोही मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? क्या अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या तुमने मुझे कब बुलाया? और तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो अरिजीत, तुम्हारे बिना एक सांस लेना भी मेरे लिए नामुमकिन है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी अरिजीत ने टेबल पर रखा आरोही का फोन उठाकर वो मैसेज दिखाकर बोला, ये देखो मैंने तुम्हें मैसेज करके बीच पे आने को बोला था और तुमने भी रिप्लाई किया हुआ है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। इतना बोलकर अरिजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और आरोही वहीं ढेर हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं अक्सर चीजें भूल क्यों जाती हूँ? मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। इतना बोलकर आरोही जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर उसे सब बता देती है। डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर आरोही के होश ही उड़ गए। मिस आरोही, आपको अल्जाइमर की बीमारी है। अल्जाइमर? यस मिस आरोही, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा पर ये बीमारी आपको बहुत पहले से है। ये सुनकर आरोही घबरा कर उठ खड़ी हुई और डॉक्टर से बोली, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर? क्या ट्रीटमेंट लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी? आई एम सॉरी आरोही, पर आपकी बीमारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इसे रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि आपकी बीमारी का आखिरी स्टेज शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने सारे अपनों को भूल जाएंगी, यहाँ तक कि आप कौन हैं आपको ये भी याद नहीं रहेगा, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपकी याददाश्त हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं कुछ मेडिसिन आपको दे देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फायदा हो। ये सुनकर आरोही के कदम लड़खड़ा गए। वो वहाँ से भागते हुए सीधा सड़क पर आ गई और सड़क के बीचों बीच बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्यों भगवान क्यों? क्यों मुझसे मेरी इतनी प्यारी यादें छीन रहे हो? मुझे मुझे खुद को भूलना मंजूर है, पर अरिजीत को कैसे भूल जाऊं? अगर अगर मैं उसे भूल गई तो वो कैसे जिएगा? वो मुझसे इतना प्यार करता है, हमारे प्यार की खूबसूरत यादें कैसे मिट जाने दूं? वो घंटों ऐसे ही चीखती रही पर उसका दर्द कम नहीं हुआ। तभी उसने अपने आंसू साफ किए और गहरी सांस लेकर बोली, मैं कुछ ही दिनों में सब भूल जाऊंगी, मैं अरिजीत को भी भूल जाऊंगी, ऐसे में अरिजीत की तकलीफें और बढ़ा दूंगी। नहीं, मैं उसके साथ इतना गलत नहीं कर सकती, मैं अरिजीत से रिश्ता तोड़ लूंगी, उससे दूर हो जाऊंगी। ये मेरी तकलीफ है तो मैं ही इसे झेलूंगी।
मैं अरिजीत को कभी अपनी बीमारी की भनक नहीं लगने दूंगी। इतना बोलकर वो सीधा घर चली गई। रात भर उसका तकिया भीगता रहा। अगले दिन उसने अरिजीत को मैसेज किया और 4 बजे मिलने बुलाया। और जैसे ही वो अरिजीत से मिलने घर से निकली तो तेज हवाएं शुरू हो गई। तभी उसे उसी जगह पर अरिजीत खड़ा नजर आया। आई एम सॉरी आरू, कल मैंने तुम पे थोड़ा गुस्सा कर दिया। आई एम सॉरी हनी, आज के बाद मैं कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। तुमको पता है मुझे रात भर नींद नहीं आई। आई लव यू यार। अरिजीत ने बेताब होकर आरोही को अपने सीने से लगा लिया। आंसू के कुछ बूंदें अरिजीत की आंखों को भिगा गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरिजीत का उसको यूं बाहों में भरना आरोही का दिल तड़पा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन चाहा कि वो अरिजीत को खुद में बसा ले, पर वो तो अरिजीत को खुद से दूर करने आई थी। वो मन में बोली, नहीं आरोही, अगर तू ऐसे कमजोर पड़ी तो अरिजीत की जिंदगी में आने वाले दर्द की वजह तू होगी। मैं उसे भूल जाऊं और वो एक तरफा प्यार के साथ जी, ये उसके साथ ना इंसाफी होगी। दूसरे ही पल आरोही ने अरिजीत को जोर से धक्का दिया और वो चिल्लाकर बोली, हर चीज का एक वक्त होता है अरिजीत। 2 साल से हम लोग डेट कर रहे हैं, अब बस मैं बोर हो चुकी हूँ तुमसे। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। आरू, ये तुम क्या कह रही हो? माना मैंने कल तुम पर गुस्सा किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अलग हो जाए। और हुआ क्या है जो तुम इतनी परेशान हो? बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओह कम ऑन यार अरिजीत, इतने टाइम से तुम मुझसे शादी करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने एक बार भी हाँ बोला नहीं ना। इसका ये मतलब है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, एक वक्त था जब तुम मुझे अच्छे लगते थे, पर अब वक्त बदल चुका है और मेरी पसंद भी। आरू प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज ऐसा मत करो। अरिजीत की तरफ देखकर आरोही का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अरिजीत के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दे, पर उसे अरिजीत को सख्त दिखाने की एक्टिंग करनी पड़ी। पर आंसू लगातार आंखों से बह रहे थे, पर बारिश की वजह से अरिजीत से छुपे हुए थे। एक आखिरी बार बोल रही हूँ अरिजीत, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मैं शहर को छोड़कर जा रही हूँ। मैं बहुत ही जल्द दक्ष रायजादा से शादी करने वाली हूँ। उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इतना बोलकर आरोही तड़पते दिल के साथ वहां से जाने लगी। प्लीज रुक जाओ आरू, मत जाओ। मेरा दिल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी कसम आरू, प्लीज मेरा दिल तोड़कर मत जाओ। अरिजीत चीख चीख कर आरोही को रोक रहा था। लाखों कांच के टुकड़े अरिजीत को तड़पता देख आरोही के दिल में चुभ रहे थे। आसमान भी जैसे उन दोनों की तड़प पर रो रहा था। आरोही किसी तरह वहां से निकल गई और अरिजीत वहीं ढेर हो गया। क्यों आरोही, क्यों तोड़ दिया मेरा दिल? क्यों, क्यों? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और इस प्यार में खुद को झोंक दिया। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरा प्यार भरा दिल ठुकरा दिया? जहां अरिजीत बुरी तरह से तड़प रहा था, वहीं आरोही तेजी से घर पहुंचकर बेड पर गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रो पड़ी। I'm sorry अरिजीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। I'm sorry, जो दर्द मैंने दिया वो उस दर्द से कम होगा अगर मेरे साथ रहकर मुझे खुद को भूला हुआ अजनबी के रूप में देखते तो सह नहीं पाते। मैं कल ही दिल्ली से शिमला चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। काश काश कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। काश कि तुम्हारा ये प्यार हमेशा मेरे दिल में रहे। दोनों अलग अलग थे, पर दोनों ही तड़प रहे थे। वक्त जैसे कहर बनकर उन पर टूट रहा था। क्या हो जाएंगे दोनों हमेशा के लिए अलग? क्या अरिजीत कर लेगा यकीन आरोही के झूठ पर? क्या लगा पाएगा सच का पता? क्या चली जाएगी आरोही अरिजीत से हमेशा के लिए दूर? क्या सच में अल्जाइमर की वजह से आरोही अरिजीत को भूल जाएगी? क्या हो पाएंगे दोनों एक, या हो जाएंगे हमेशा के लिए जुदा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस कहानी का 3रा और आखिरी एपिसोड सिर्फ हमारे YouTube चैनल लव FM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।